महोदय जी, काम सबके बीच में शुभ आगमन हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी सम्मानित मंच पर पहुंच चुके हैं। आप सबकी ओर से माननीय सीएम साहब का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं जोरदार तालियों के साथ। माननीय सीएम साहब और डिप्टी सीएम साहब का अभिनंदन जी गांव सिरसी में पधारे हैं। आप सबकी ओर से माननीय सीएम साहब का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उनके साथ मंच पर विराजमान माननीय श्री दुर्गत हैं। मंच पर विराजमान नीलोखेड़ी के विधायक आदरणीय धर्मपाल गोविंदर जी, नेता ब्रिज शर्मा जी, उमेद कश्यप जी और हमारे हरियाणा सरकार के सीनियर आईएएस अधिकारी आदरणीय श्री धनपत सिंह जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव राज्यसभा विभाग आदरणीय श्री सुधीर राजपाल जी, प्रधान सचिव पंचायत विभाग, अतिरिक्त प्रधान सचिव आदरणीय श्री सुशील सारवान जी, निदेशक पंचायत विभाग आदरणीय श्री निशांत कुमार यादव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के राजनीतिक सचिव, सम्मानित मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, हम सबके लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि आज हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी के लिए हमारे गांव में पधारे हैं। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों के साथ हमारे मौजूद मेहमानों का अभिनंदन। आप लोगों की मेहनत से एक हिस्ट्री आज आपने, जैसे संविधान निर्माताओं ने 26 जनवरी को संविधान बना लिखकर उसको पूरी तौर पर इम्प्लीमेंट कहीं ना कहीं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को हम याद करते हैं कि देश को आजाद कराने के बाद हम लोगों ने एक ऐसा तंत्र, अपना तंत्र ये अपनाया था जिसको गणतंत्र कहा हमने। लोकतंत्र में कहते हैं कि गवर्नमेंट बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इज बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, अर्थात लोगों की सरकार होती है, लोगों द्वारा बनाई जाती है, लोगों के लिए होती है। और सारा सिस्टम हम अपने आप तैयार करते हैं, अपनी सरकारें चुनते हैं, नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं। अंग्रेज भले ही इस देश को छोड़कर चला गया, हमने आजादी प्राप्त की, लेकिन कुछ चीजें ऐसी छोड़ करके चले गए जिसको हम आज तक भी सुधार रहे हैं। बहुत चीजें सुधारी हैं, लेकिन एक ये जो विषय लाल डोरा का विषय, ये अंग्रेजों की एक चलाई हुई प्रथा गांव के अंदर हुआ करती थी कि इस गांव के चारों तरफ लाल डोरा बना दिया। लाल डोरा का मतलब है जैसे ऐसी उसके अंदर एंट्री बैन कर रखी थी कि सरकार इसके अंदर एंटर नहीं करेगी, और अपने आप ही पंचायतें इसका हिसाब किताब रखेंगे, किसका प्लॉट है, किसका मकान है, किसका घर है, एक के दो हो गया, दो का एक हो गया। हो सकता उस समय की जरूरत हो कि सरकार इसमें हस्तक्षेप क्यों करे, पंचायतें अपने आप निपट लेंगे, लेकिन धीरे धीरे लगा कि इसमें से विवाद ज्यादा बढ़ रहे हैं, झगड़े ज्यादा बढ़ रहे हैं, और जो प्रॉपर्टी, जो संपत्ति महंगी हो गई है, खास करके शहरों के अंदर जो गांव आए, वहां बहुत सी कठिनाइयां पैदा होने लगी। उसका मालिक आदमी है कि नहीं है, इसका प्रमाण ही नहीं है, रजिस्ट्री कराने जाते तो रजिस्ट्री करने वाले ने मना कर दिया है। तब ध्यान में आया कि इस लाल डोरा से मुक्ति पाई जानी चाहिए, बहुत लोगों की इच्छा भी थी, लाल डोरा समाप्त कर दिया है। आज 3 योजनाओं का शुरू करने का काम हुआ है, श्री गणेश हुआ है, जिसमें एक तो लाल डोरा समाप्त करना जो आपके सामने विषय बताया, दूसरा है परिवार पहचान पत्र। अभी तक व्यक्तियों की पहचान तो है, व्यक्ति का नाम भी है, व्यक्ति का आधार कार्ड भी है, परिवार के नाते जैसा बताया हमारे दुष्यंत जी ने कि केवल राशन कार्ड तो होता था, लेकिन वो भी मर्जी है, कोई बनवाए चाहे ना बनवाए, और एक बार राशन कार्ड बन गया तो 5-7-10 साल तक उसमें कोई बदल ही नहीं हो पाता था, कोई नया नाम जुड़वाना तो जुड़ नहीं पाता था। दुर्भाग्य से अगर कोई परिवार छोड़ गया, कोई व्यक्ति भगवान को प्यारा हो गया, उसका नाम उसको कटवाने में तो खैर हमारी भी रुचि नहीं होती थी, सामने वाला काटता नहीं था, कोई शिकायत करता तब कटता था। और अगर पूरे गांव की आबादी, शहर की आबादी, जिले की आबादी, प्रदेश की आबादी तो हिसाब लगाते रहते थे कि हाँ सन 2011 में इतनी आबादी थी, 1% हर साल बढ़ते चले जाओ, 8 साल के बाद 8% और बढ़ गई, ठीक से पता कब लगेगा, अगले 10 साल के बाद फिर जब आबादी गिनी जाएगी तब पता लगेगा। उसके कई दुष्परिणाम भी होते थे,
लेकिन आज वैज्ञानिक युग में, आज तो आईटी का जमाना है, इस आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के समय क्या हम ऐसा सिस्टम नहीं बना सकते कि बिल्कुल रियल टाइम यानी हर समय की जो जानकारी है वो हमारे पास क्यों ना आए। देने का काम शायद केवल मात्र 163 रुपए में हमारी सरकार ने करने का काम किया है। साथियों, आज लाल डोरा मुक्त होने का मतलब है आप सबकी जमीन की शेयर के बराबर रजिस्ट्री हो। हम बैंकों में जाते हैं, लोग कि लोन दे दो, बच्चे की पढ़ाई है, लोन दे दो, हमारे शादी है, मगर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद बैंक वाला कहता है खेत की जमीन पे तो मैं दूंगा नहीं जिसका नक्शा है, रजिस्ट्री है। और गांव के घर की रजिस्ट्री होती नहीं क्योंकि लाल डोरे में है। और उस कारणवश अधिकतम ग्रामीण अंचल के बच्चे शिक्षा से छूते रह जाते हैं, जो बड़े कॉलेजों में नहीं जा पाते, अधिकतम मुश्किल समय पर लोन नहीं मिलता। आज जब आपकी रजिस्ट्री आपके हाथ में होगी तो मुझे लगता है आने वाले भविष्य में अगर आप अपनी जमीन भी बेचना चाहो तो उसका प्रॉपर डाटा राजस्व विभाग के पास भी हम मेंटेन कर पाएंगे। साथियों, अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम आज गणतंत्र दिवस पर हम सब मिलकर उठाने जा रहे हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि ये कदम जो सिरसी से चला है, हमारी सर्वेयर जनरल की टीम के साथ पंचायत विभाग का दिन रात परिश्रम है कि अगले 2 से 3 महीनों के अंदर एक ग्राम पंचायत नहीं, 22 जिले हैं, हर जिले की 5 ग्राम पंचायत 110 ग्राम पंचायत को भी सिरसी की तरह हम डिजिटलाइज कर उनके लाल डोरा मुक्त बनाने का काम करेंगे। और केवल मात्र ग्रामीण अंचल तक नहीं, शहरों के अंदर भी जहां आज कोई कमी पेशी है डिजिटलाइजेशन की, हमारी सरकार का प्रयास है कि राजस्व विभाग तमाम रिकॉर्डों को डिजिटलाइज करने का काम करें। और एक चीज जो आज आपके बीच में संकल्प के तौर पर लेकर जा रहे हैं, अभी जब करनाल में ध्वज फहराने का मौका मिला, जब हमने निर्णय लिया कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट हर महीने के पहले मंगलवार को एसडीएम ऑफिस या तहसील के अंदर ऊपर से नीचे तक, एसडीएम से लेकर और नीचे कानूनगो तक तमाम अधिकारियों को बिठाने का काम करेगा, जिसके अंदर अगर गांव के किसान की कोई भी राजस्व संबंधित समस्या है, किसी भी व्यक्ति की कोई भी उसके लैंड रिकॉर्ड संबंधित समस्या है, वो एक दिन हर महीने के पहले मंगलवार को जाकर तहसील या एसडीएम ऑफिस में उसको सुलझाने का काम करेगा। साथियों, ऐसे कदम हमारी सरकार उठा रही है, मॉडल हिस्ट्री हम सब इस पावन धरा से आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं तो सीएम साहब से आग्रह कर रहा था, जिम तो लगा हुआ है और सरपंच साहब की एक मांग भी है, इस गांव के अंदर इसी जगह कोई भी स्पोर्ट्स का एक मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी सरकार बनाने का काम करे, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट। आप लोगों की मेहनत से एक हिस्ट्री आज आपने, जैसे संविधान निर्माताओं ने 26 जनवरी को संविधान बना लिख कर उसको पूरी, सीएम साहब अपने कर कमलों से गांववासियों को भेंट करते हैं। सबसे पहले जोगेंद्र सिंह को ये टाइटल डीड वितरित की गई है, इसके बाद मैंने सुबह सिंह तैयार रहे, नरेश पुत्र सुबह सिंह को डीड वितरित करते हुए माननीय सीएम साहब, और इसके बाद रोशनलाल पुत्र रमानंद जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ। रोशनलाल जी मंच पर आ जाएं, इसके बाद हम सबके लिए बहुत ही गौरव की बात है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी पोर्टल का शुभारंभ करते हैं, जोरदार तालियों के साथ सीएम साहब और डिप्टी सीएम साहब का अभिनंदन करें। अब मैं हर एक उस पात्र व्यक्ति को टाइटल डीड दी जा रही है जो उसका की मालिक है, जिस पर वो परिवार पहचान पत्र जैसा कि सर सामने अतिरिक्त प्रधान सचिव
ने बड़े विस्तार से इस योजना के बारे में जानकारी दी। अगले वक्ता कलीराम जी को ये राम सिंह जी, अब जय सिंह जी को परिवार पहचान, मुल्तान सिंह जी के बाद राजपाल रहते हुए इसके बाद संजय कुमार और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के राजनीतिक सचिव, सम्मानित मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति के लिए हमारे गांव में पधारे हैं। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों के साथ हमारे मौजूद मेहमानों का अभिनंदन। यहां पर आए हुए गांव सिरसी और आसपास के सभी गांव से आए हुए हैं, सभी हर्ष का और बहुत ही ज्यादा खुशी का दिन है, जिसमें कि लाल डोरा से मुक्ति होने के साथ साथ आप सभी गाँव वासियों को अपने घरों की, अपने चौबारों की।